नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर अभी पक्षों को लिखित दस्तावेज जमा करने के लिए 3 दिन का वक्त। नए भारत के निर्माण में अहम रहने वाला है नव महाराष्ट्र का योगदान। पनवेल की रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा महाराष्ट्र के विकास के डबल इंजन को 11 गुना शक्ति दे रहा है एक नरेंद्र और एक देवेंद्र का सूत्र। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस नेताओं ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। खट्टर सरकार ने भ्रष्टाचार का खात्मा कर हरियाणा का किया समग्र विकास। फरीदाबाद, पानीपत, झज्जर और गुरुग्राम में जनसभाओं में बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यमुनानगर की जनसभा में की पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील। सही नीति और उसके अमल से ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया अभियान दोनों साथ हो सकते हैं कामयाब। खाद्य सुरक्षा मित्र योजना के शुभारंभ पर बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर की पोषण अभियान में नागरिकों से योगदान की अपील। और आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम पर और कसा शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ने तिहाड़ जेल में ही 2 घंटे की पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कल होगी पेशी। और सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर लिखित दस्तावेजों को जमा करने के लिए सभी पक्षों को 3 दिन का समय दिया है। अयोध्या भूमि विवाद मामले में 40 दिन तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 5 जजों की संविधान पीठ ने जमीन विवाद से जुड़े सभी पक्षों को 3 दिन के भीतर मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है। यानी मालिकाना हक किसी एक या दो पक्ष को मिल जाए तो बचे हुए पक्षों को क्या वैकल्पिक राहत मिल सकती है। हिंदू महासभा की तरफ से पेश हुए वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में 23 दिन के भीतर फैसला आने की उम्मीद है। हम लोगों ने जो अपना दलील दिया है उस दलील में बहुत स्पष्ट है और सारे हिंदू पक्ष के दलील का केंद्र है कि जो एक तिहाई संपत्ति दिया गया था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मुस्लिम पक्ष को, वह गलत निर्णय था। वह किस तरह से गलत था, कानूनी तौर पर उस निर्णय को सही नहीं ठहराया जा सकता है। इन सारी मुद्दों पर हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा है और हमें इंतजार करना होगा कि उस पक्ष को माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस तरह से लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के लिए बुधवार शाम 5 बजे तक का समय लिया था, लेकिन ये 1 घंटे पहले ही पूरी कर ली गई। फैसला रिजर्व किया है, जजमेंट रिजर्व किया है। कोर्ट ने ये कहा है जो भी पार्टीज को अपने रिटर्न सबमिशंस देने हैं वो 3 दिन के अंदर अपने रिटर्न सबमिशंस दे सकते हैं मोल्डिंग ऑफ द रिलीफ पे। और कोर्ट ने सारी पार्टीज को हेयर करने के बाद आज इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। दरअसल इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर 2010 में अपने फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को 3 पक्षकारों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान वाला हिस्सा हिंदू महासभा के बीच बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन तक चली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ 14 अपीलों पर सुनवाई की। अयोध्या बाबरी विवाद में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सभी पक्षकारों ने इतिहास, आस्था और विश्वास को अपनी दलील का आधार बनाया है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के सामने अब विवादों से बचते हुए फैसला सुनाने की चुनौती होगी।
सुप्रीम कोर्ट से कैमरामैन शिव के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। अयोध्या जन्मभूमि विवाद सदियों पुराना है। आइए आपको बताते हैं 1949 से कब और कैसे शुरू हुआ अयोध्या विवाद और कब कब सुर्खियों में आया राम जन्मभूमि का मुद्दा। सबसे पहले 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या भूमि विवाद मामले में पहला या यूं कहें नया मोड़ आया और विवादित स्थल पर रामलला की मूर्ति मिली। 16 जनवरी 1950 स्थानीय निवासी गोपाल सिंह निषारद ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की। वहीं 5 दिसंबर 1950 को और एक रामचंद्र दास परमहंस ने भी अदालत में मुकदमा दायर किया। वहीं 1959 में निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक जताया। इसके बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई और मस्जिद और आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। उसके बाद काफ़ी सालों बाद 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। और 2 साल बाद 1 फरवरी 1986 में फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाज़त दी। कोर्ट के आदेश पर ताले दोबारा खोले गए और वही 15 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया। 1988 से 1989 शिला पूजन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई और 1989 बिहार के भागलपुर समेत कई जगहों पर इसे लेकर दंगे हुए। 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि विवादित संपत्ति की यथास्थिति बनाए रखी जाए और 9 नवंबर 1989 को ही तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नज़दीक शिलान्यास की इजाज़त दी। इसके बाद 25 सितंबर 1990 बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। इसी साल 23 अक्टूबर को आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों कार सेवक अयोध्या पहुंचे और मस्जिद की चार दीवारी क्षतिग्रस्त हुई। तो अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए जनवरी 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ बातचीत शुरू की। दोनों पक्षों की बातचीत से भी कोई हल नहीं निकला और जून 1991 में आम चुनाव में पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार ने विवादित स्थल से लगी 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया और 1991 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने फैसले को अदालत में चुनौती दी। अगले साल 27 नवंबर 1992 में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि अधिग्रहित जमीन पर निर्माण कार्य नहीं होगा और इसी साल 5 दिसंबर 1992 से 96 दिसंबर को 12:30 बजे कार सेवा शुरू करने की घोषणा की गई। 6 दिसंबर 1992 लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंचे कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद ढहा दिया। 7 दिसंबर 1992 में देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और इसी साल 16 दिसंबर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्राहन के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग का गठन हुआ। लिब्राहन आयोग को 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया और 7 जनवरी 1993 को नरसिम्हा राव सरकार ने विवादित स्थल के पास 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। 24 अक्टूबर 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के जमीन अधिग्रहण के फैसले को उचित ठहराया और जनवरी 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में अयोध्या सेल का गठन किया।
6 मार्च 2002 केंद्र सरकार ने जल्दी सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की और ठीक एक साल बाद 5 मार्च 2003 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल की असलियत जानने के लिए खुदाई का आदेश दिया। जून 2009 लिब्रहान आयोग ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अयोध्या मामले की जांच रिपोर्ट सौंप दी। तो राम जन्मभूमि विवाद मामले में 2010 में जाकर अहम मोड़ आया। आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा। हाईकोर्ट ने जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बांटा और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और 25 जनवरी 2019 उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ का पुनर्गठन किया। नई पीठ में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नज़ीर शामिल हैं। वहीं 26 फरवरी 2019 को उच्चतम न्यायालय ने मध्यस्थता का सुझाव दिया। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश एफएमआई कलीफुल्ला की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम पांचू भी शामिल हुए और इसके बाद 10 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता समिति को 15 अगस्त तक का समय दिया। 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता समिति ने सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 2 अगस्त 2019 मध्यस्थता को लेकर बनाई गई 3 सदस्यीय पैनल से कोई नतीजा नहीं निकला और 2 अगस्त 2019 को अयोध्या भूमि विवाद पर 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई होना तय हुआ, जिसके बाद 6 अगस्त 2019 संविधान पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अपीलों पर सुनवाई शुरू कर दी। तो अब तक की सुनवाई में विवादित भूमि के मालिकाना हक से लेकर रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति मानने के मुद्दे तक कई प्रमुख बिंदुओं पर दोनों पक्षों ने दलीलें रखी हैं। मालिकाना हक को लेकर हिंदू पक्ष ने 2.77 एकड़ की पूरी जमीन पर हक जताया और रामलला के वकील ने भी पूरी जमीन पर हक जताया। वहीं मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उन्होंने दलील दी कि हिंदुओं का दावा सिर्फ विश्वास पर आधारित है। इसके अलावा हिंदू पक्ष की दलीलें थी 1949 में नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी नमाज बंद होने से हिंदुओं का हक साबित नहीं होता, तो पूजा करने को लेकर हिंदू पक्ष ने ये दलील दी। इसके बाद हिंदू पक्ष के दलील में बातें आई कि ढांचे को लेकर हिंदू पक्ष ने कहा कि ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर मस्जिद बनी थी, इसलिए वो गैर इस्लामिक है। वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील है कि गवाहों द्वारा मंदिर को लेकर दिए गए बयान अविश्वसनीय हैं और गर्भगृह में 1949 में मूर्ति नहीं थी। अब सवाल आगे बढ़ाते हुए प्रश्न रखा गया कि रामलला पक्ष हैं या नहीं। इसे लेकर हिंदू पक्ष की दलील थी कि विवादित संपत्ति खुद में एक देवता है और राम का जन्मस्थान है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि राम जन्मभूमि एक न्यायिक व्यक्ति नहीं, ईश्वर निराकार हो सकते हैं लेकिन देवता तो साकार होगा। और आइए अब रुख कर लेते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों का। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जानने के लिए रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी वैभव का। शुक्रिया।
चुनावी रण 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ दिन ही बाकी हैं। दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा में 4 रैलियों को संबोधित किया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी आज हरियाणा में प्रचार अभियान में हिस्सा लिया। आइए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के अकोला, परतूर और पनवेल में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की जरूरतों को समझते हुए उनकी चिंताओं को दूर करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है और इसी सोच के साथ देश के इतिहास में पहली बार हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा देने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सार्थक और सही विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल बहुत जरूरी है और इसके लिए नीयत भी साफ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश हित से जुड़े मुद्दों पर बीते 5 वर्ष में गरीबों के सशक्तिकरण से सशक्त परिवार, सशक्त समाज और सशक्त राज्य के निर्माण में हम जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर उज्ज्वला योजना तक, स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मिशन इंद्रधनुष तक, आयुष्मान भारत योजना से लेकर मुद्रा योजना तक, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ हर क्षेत्र, हर गांव, हर शहर, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोगों को बिना कोई झिझक मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने देश हित से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों को उनके रवैये को लेकर निशाने पर भी लिया। प्रधानमंत्री बोझ के नीचे कांग्रेस का राष्ट्रवाद दब चुका है। परिवार भक्ति में ही कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति नजर आती है और यही वजह है कि कांग्रेस आज लड़खड़ा रही है, अंतिम सांस ले रही है। इसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सिर्फ दुनिया भर में जितने करप्शन के प्रकार हैं, सारे करप्शन के ही संस्कार आज वहां बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र का फॉर्मूला बीते 5 सालों में सुपरहिट रहा है और उन्होंने लोगों से बीजेपी शिवसेना गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, ये नरेंद्र देवेंद्र का ये फॉर्मूला बीते 5 वर्षों में सुपरहिट रहा है, सुपरहिट, और आने वाले वर्षों में ये महाराष्ट्र को विकास के नए आयाम पर पहुंचाने वाला है। और आप ये भी मान लीजिए, देवेंद्र और नरेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 1+1=2 नहीं होता है। नरेंद्र और देवेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 11 हो जाता है, 11 हो जाता है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज बीड जिले में चुनाव प्रचार किया। एक जनसभा के दौरान शरद पवार ने बीजेपी और शिवसेना सरकार की आलोचना की। एनसीपी प्रमुख ने बीजेपी शिवसेना सरकार पर हर मोर्चे पर नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में युवाओं के सामने रोजगार को लेकर चुनौती बढ़ी और सरकार की नीतियों की वजह से कारोबारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शरद पवार ने एनसीपी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल होने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनसीपी ने नई पीढ़ी को राजनीति में आने का मौका दिया है और इस दिशा में लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
बात करते हैं हरियाणा की। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा में आज 4 जनसभाएं की। अमित शाह ने फरीदाबाद के तिगांव, पानीपत के समालखा, झज्जर के बहादुरगढ़ और गुरुग्राम में रैलियां की। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि बीते 5 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा में विकास की नई गाथा लिखी गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जब जब कांग्रेस की सरकार आई, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और जातिवाद को बढ़ावा मिला, जबकि बीजेपी के कार्यकाल में सबका विकास हुआ और प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म किया गया। हरियाणा के किसानों की भूमि दिल्ली के दरबार के दामाद को देने का पाप हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने किया था और हमारे मनोहर लाल जी ने विकास को आगे ले जाने का काम किया है। मित्रों, आज हरियाणा कभी चौटाला, कभी हुड्डा, कभी हुड्डा, कभी चौटाला, उससे मुक्त हो गया है। चौटाला साहब की सरकार आती थी तो गुंडागिरी होती थी, हुड्डा जी की सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार होता था। अब मनोहर लाल खट्टर की सरकार आई है, ना गुंडागिरी है, ना भ्रष्टाचार है, सबका विकास हो रहा है, सबका साथ मिल रहा है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज हरियाणा के यमुनानगर में जनसभा को संबोधित किया। यमुनानगर के रादौर की रैली में मायावती ने आरोप लगाया कि हरियाणा में दलितों, मजदूरों और कमजोर वर्ग के लोगों की हमेशा अनदेखी की गई है। बीजेपी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए मायावती ने कहा कि बीएसपी लोगों के सहयोग से सरकार बनाना चाहती है। मायावती ने हरियाणा की जनता के सामने उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार के दौरान जनहित को लेकर किए गए कामों का भी उल्लेख किया। बीएसपी प्रमुख ने लोगों से पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। और अब बात हरियाणा की करते हैं, जहां पश्चिमी हिस्से की, जहां विधानसभा की 24 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में INLD सबसे बड़ी पार्टी रही थी। बीजेपी ने भी अपने सीटों में थोड़ा इजाफा किया। इस बार दोनों ही दलों के सामने अपने राजनीतिक ग्राफ को और ऊपर ले जाने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस पर उसके खोए हुए जनाधार को दोबारा हासिल करने का दबाव है। INLD के जनाधार वाले पश्चिम हरियाणा में बीजेपी जीत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। शायद यही वजह है कि इस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हो रही हैं। पश्चिमी हरियाणा में कुल 5 जिले आते हैं, जिनमें भिवानी, जींद, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार शामिल हैं। विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें तो भिवानी में 4, जींद में 5, फतेहाबाद में 3, सिरसा में 5 और हिसार में 7 सीटें आती हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी हरियाणा में अपने प्रदर्शन में सुधार किया था। जहां पार्टी को 2009 में महज 1 सीट मिली थी, वहीं 2014 में बीजेपी के खाते में 6 सीटें गई थी। नॉर्थ और साउथ की तरह कांग्रेस को यहां भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। कांग्रेस 2009 की 7 सीटों के मुकाबले महज 1 सीट पर ही सिमट गई थी। INLD अपने जनाधार को बढ़ाने में कामयाब हुई और उसे 2014 में 13 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 2009 में INLD को 11 सीटें मिली थीं। पिछले चुनाव में अन्य दलों के उम्मीदवारों को 4 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार INLD से अलग होकर JJP बनी है और उसके उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं कांग्रेस को झटका देने वाले पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी दुष्यंत चौटाला के JJP को समर्थन देने का ऐलान कर पश्चिम हरियाणा में मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। फिलहाल विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों को देते हैं विराम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लौटते हैं मेरी सहयोगी अभिलाषा पाठक के पास। शुक्रिया वैभव। कैबिनेट मामलों की संसदीय समिति की आज बैठक हो रही है, जिसमें संसद के शीतकालीन सत्र की तिथियों के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है।
सीसीपीए की बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हो रही है, जो इस समिति के अध्यक्ष हैं। सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान दो महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून में बदलना चाहती है। इनमें एक अध्यादेश सितंबर में जारी किया गया था, जिसमें आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया था। वहीं दूसरा अध्यादेश ई सिगरेट पर प्रतिबंध से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी राममूर्ति ने उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आज उन्होंने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को अपना त्याग पत्र सौंप दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। केसी राममूर्ति के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में अब कांग्रेस सांसदों की संख्या 45 रह गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम विशेष।